अच्छा जी, तो आज है 3 तारीख। एज यूजुअल मैं इस टाइम ऑफिस जाती हूँ। आज मैं पैदल जाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, तो मैंने पापा को कहा कि मुझे वो ड्रॉप कर दे। तो बस मैंने कप चाय पीनी है और फिर ऑफिस के लिए निकलना है। इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ, वैसे मैं ऑफिस के लिए जितनी दिख रही हूँ, लेकिन व्लॉग में एक्साइटेड दिखना पड़ता है। बस एक कप चाय पियेंगे और फिर हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। कोई है? कप चाय पियेंगे। वैसे आज की सबसे खास बात यह है कि आज थर्सडे है और मैंने प्लान किया है कि आज के बाद मैं सिर्फ थर्सडेज को ही वीडियो अपलोड करूंगी। तो आज मेरी पहली वीडियो आने वाली है, पता नहीं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। आज मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी वीडियो अपलोड होने वाली है, जो PR वाली है। गर्मा वालेकुम। अच्छा, तो ऑफिस आके मैंने आज से पहले कभी व्लॉग नहीं किया। जब भी मैं ऑफिस आने वाली होती थी या घर पहुंचने वाली होती थी, तब मैं व्लॉग करती थी। आज मैंने फाइनली इस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि हमारे ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं है। तो मैंने कहा एक छोटा सा कुछ बैठ के बना लेते हैं। तो आज मैं नाश्ता करके नहीं आई, वैसे कल मैंने यहीं पे नाश्ता किया था। और आज मुझे बहुत ज्यादा भूख भी तो लग रही है ना, और ऊपर से सगीर ने चाय भी तो चढ़ा दी है ना। सगीर चाय है? सगीर खामोश है। खैर, अभी चाय पियेंगे। बहुत सारा काम तो नहीं होता मुझे ऑफिस में, लेकिन मैं फिर भी आ जाती हूँ। अच्छा होता है ऑफिस में आना, लोगों से मिलना जुलना, नए लोगों को देखना, इससे दिन अच्छा गुजरता है। आज है इतवार का दिन, और आप सब शायद, सब नहीं, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतवार के दिन तैयार शहर होके मैं कहाँ निकल रही हूँ। हर महीने की एक इतवार को, हर महीने के एक इतवार को हम ऑफिस पिकनिक पे जाते हैं। मैं तो एक पिकनिक पे गई हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो पिकनिक्स हो चुकी थी। आज भी हमारा पिकनिक का प्लान है, तो आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल तैयार श्यार मेकअप शेकअप करके जो है ना बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। एज यूजल मुझे दोबारा से वेट करवाया जा रहा है। मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। अभी तक जिनको मुझे पिक करना था वो आई नहीं है। चाय भी नहीं पी मैंने वैसे अभी तक। इतनी धूप, जब मैं मेकअप नहीं करती इतनी धूप नहीं होती, और जब मैंने मेकअप किया तो मुझे इतनी धूप लग रही है कि मैं क्या बताऊं। अब मैं चाय पीते पीते इंतजार करूंगी जिनको मुझे पिक करने आना है। मौसम वैसे बहुत अच्छा है। वैसे अभी मैं न्यूज देख रही थी, तो न्यूज में आ रहा था कि जो सिंगर लता है उनका इंतकाल हो गया। वो भी शायद कोरोना की वजह से हुआ है। तो आप सब अपना ख्याल रखें, और जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनको जल्दी इफेक्ट करता है, और मेरे ख्याल से बच्चों को और बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है। मैंने देखा है कि अभी कोई भी मास्क शास्क ग्लव्स ये सब कोई नहीं करता। ग्वादर में तो खैर इतने केसेस नहीं है, तुर्बत और क्वेटा और बाकी जगहों का मुझे इतना अंदाजा नहीं, लेकिन यहाँ पर इतने नहीं है। अगर हैं तो इक्का दुक्का है, वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, मैं डेली न्यूज में देखती हूँ कितने केसेस होते हैं। तो आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अफसोस तो हुआ बहुत सुन के, क्योंकि बचपन से उनके गाने सुनते हुए हम बड़े हो रहे हैं। यादें तो हमेशा दिल में रहती हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इतना मेकअप क्यों कर दिया, वैसे क्योंकि धूप है ना। मैं घर से निकल के ऑफिस गई, और ऑफिस में मैंने 1 घंटा वेट किया लोगों का, और फिर मुझे शदीद भूख लगने लगी। अभी हम आए हैं पदीजर पे बट और छोला, इसे कहते हैं छोला चावल। हाँ, भूल गई थी, चावल छोला एक ही बात है। ये नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपनी पिकनिक की जगह पर। अब ठीक है, तो मैं कैसे बदल जाऊँ?
चाय में जी सीन ये हुआ कि पिकनिक पर जाते ही मैं भूल गई कि मेरा कोई व्लॉग चल रहा था, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए पिकनिक का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जबकि मैं पूरा एक व्लॉग पिकनिक का करना चाह रही थी। खैर तो अभी की अपडेट देते हैं आपको। आज है 21st of February और मुझे पता है मैंने इन पिछले 10 से 15 दिनों में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि मेरी जिंदगी में पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ। ये बहुत जरूरी अपडेट मैं आपको देने लगी हूँ, ये कि मैं 6 को पिकनिक गई थी, 8 की रात को मुझे इमरजेंसी में कराची निकलना पड़ा, गई 3 दिनों के लिए थी, 8 से 18 तक मैं कराची में थी। इसके अलावा मैंने क्या क्या किया कराची में वो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कराची में मुझे व्लॉग करने में इतना डर लग रहा था, क्योंकि इन दिनों आपको पता है स्नैचिंग के कितने वाकयात हुए, कितनी वीडियोस में देख रही थी। फिर मैं कराची की कुछ अपडेट्स आपको देना चाहूंगी। कराची में जब मैं जाती हूँ तो कुछ चीजें मुझ पे फर्ज होती है कि मैंने करना है, ठीक है, वो काम मुझे लाजमी करना है। सबसे पहले कराची में जाती रिक्शा में बैठती हूँ, पता नहीं क्यों कराची की रिक्शा का एक अलग ही मजा है। सेकंड, मैं अपनी फैमिली से मिली, मेरी अम्मी का पूरा खानदान कराची में ही है, इक्का दुक्का लोग ग्वादर में है लेकिन ज्यादातर कराची में है, तो मैं उनसे जाके मिली, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, सिंधबाद गए, वैलेंटाइंस डे भी वहीं सेलिब्रेट किया हमने, मतलब मेरे और मेरे कुछ दोस्तों ने, मुझे कुछ पीआर आए हुए थे वैलेंटाइंस डे पर। जब मैं कराची जाती हूँ तो मेरे लिए चाय शाही और आगा खान हॉस्पिटल की चाय पीना, ये दो चीजें मस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी मैं कराची जाती हूँ तो मेरी अम्मी की जो कब्र है वो कराची में, तो मैं अम्मी की कब्र पे गई, अम्मी के पास बहुत देर तक बैठी रही। और आज है 21st of February और इंशाल्लाह मैंने ये खुद से वादा किया कि मैं अभी डेली व्लॉग करूंगी, जैसे मैं पहले कर रही थी, बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई मैं 10 दिनों के लिए, लेकिन अब मैं डेली व्लॉग करूंगी इंशाल्लाह। आज मैंने जाना है एक शूट करने जो है शाही बाजार में, इस्माइलिया वार्ड में, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैं 2 साल से ये बात कह रही हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो खैर फाइनली इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो चुका है कि एक वीडियो तैयार है, उसकी सिर्फ सबटाइटल्स मुझे लगाना है और आज उसकी सेकंड वीडियो रिकॉर्ड होगी। बस आपको ये अपडेट देना था मुझे कि मैं कहाँ थी। मुझे लगता है कि आज का ये व्लॉग काफी है, ठीक है, अब इंशाल्लाह कल मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी। आज मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग करनी है और उसके बाद फिर अपना व्लॉग भी एडिट करूंगी साथ साथ, और कल रात भी मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है, आप जाके देख लें अगर आपने नहीं देखा। बस ये मेरी जिंदगी की अपडेट्स थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा हो तो लाइक कर दें भाई, लाइक कर दें, भला करें लोगों का, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि एक जमाने से मेरे ना सब्सक्राइबर्स रुके हुए 23K पे। सब्सक्राइब भी कर लें भाई, कम से कम 50,000 तक तो पहुंचा दें, मेरा पिछले चैनल 70 तक था, 25 का एम रख देते, चले 2,000 और पूरे हो जाएंगे तो मेरा फिलहाल एक छोटा सा एम कम्प्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, नहीं कितने जल्दी बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।